हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको शेयर करूंगी स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की रेसिपी, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, आसान सा रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी ले लिया है। अभी इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो इसका पत्ता को पहले हम हटा लेंगे, ये आसानी से निकल जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारे पत्ता को यहाँ पर हटा लिया है। तो अभी इसको हम साफ़ करेंगे पानी से। तो इस तरह से मैंने पानी को डाल लिया। अभी इसको मसल लेंगे और 3 से 4 बार तक इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि जितना भी गंदगी रहेगा वो चला जाएगा। अभी इसको हम कट करेंगे। तो इसको रफली चॉप करना है, क्योंकि हमें इसको ग्राइंडिंग करना है। तो अब जैसे भी इसको कट कर लीजिए, ताकि आसान से पीस जाए। तो यहाँ पर मैंने सारे स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया है। अभी इसको ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार ले लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने हाफ ग्लास मिल्क डाल रही हूँ, और बाकी के हाफ ग्लास हम बाद में डालेंगे, ताकि ये आसानी से पीस जाए। तो पूरा मिल्क यहाँ पर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से पीस गया है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम मिठास के लिए डालेंगे खजूर। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं, या फिर खजूर से भी सिर्फ बना सकते हैं। मैं दोनों मिला के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून चीनी और 1/2 कप यहाँ पर खजूर डाल दिया। अभी थिकनेस के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का आइसक्रीम 2 टेबलस्पून। आप किसी भी तरह का फ्लेवर आइसक्रीम ले सकते हैं, ये अच्छे से थिकनेस देगा और टेस्ट भी इससे बढ़ जाएगा। तो इसको फिर से ग्राइंडिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंडिंग कर लिया है। अभी हम बचा हुआ दूध यहाँ पर डाल लेंगे। आप चाहे तो पहले से इसको डाल करके मिक्सी में चला सकते हैं। तो इसको मैं और थोड़ा सा बस चला दे रही हूँ, और ये बिल्कुल रेडी है। और इसका थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अब स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा मिठास नहीं होता है, तो मिठास के लिए थोड़ा सा आपको चीनी या फिर खजूर आपको डालना होगा। तो इसको हम सर्व कर लेंगे, और ये बिल्कुल रेडी है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। अभी इसमें गार्निशिंग के लिए मैं थोड़ा सा ये आइसक्रीम डाल दिया, ऊपर से मैं चेरी डाल दे रही हूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का टुकड़ा मैं यहाँ पर डाल दिया। आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और ये पीने के लिए बिल्कुल रेडी है ठंडा ठंडा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। बहुत ही आसान है और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो अभी इसको किसी भी टाइम इसको बना करके आप पी सकते हैं। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए रेसिपी को, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। अगर रेसिपी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।